नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आज पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, प्रदेश की जनता को भी हृदय से प्रणाम। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये यात्रा संकल्प परिश्रम के साथ विचारधारा को विस्तारित की यात्रा रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने विचारधारा के विस्तार के साथ ही भारत के भविष्य निर्माण की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अथक परिश्रम किया है, इसलिए पार्टी इस मुकाम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रोजा इफ्तार में दिए बयान की भारतीय जनता पार्टी देश भर में दंगे फसाद कर रही है, आप सभी छिंदवाड़ा संभालें और मुझे प्रदेश संभालने दे पर बोले गृह मंत्री। रोजेदारों के बीच में बैठकर विषमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करनी थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम में। विभाजन की राजनीति कांग्रेस चुनाव के समय अल्पसंख्यकों के बीच में करती है। कमलनाथ, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाया, आप देश तो एक रहने दो। आप कभी भी इस तरह का बयान दे देते हो, बयान सुनना है तो कल अब्दुल कादरी का सुनो जिन्होंने मोदी की तारीफ की, गुलाम नबी का बयान सुनो। आप हमेशा से सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करते हो। विपक्षी दलों के ईडी सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर बोले गृह मंत्री, इससे इन सब लोगों को समझ जाना चाहिए। सीबीआई और ईडी पर जो लोग आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर भी उन्होंने ये देख लिया है, एक परिवार के लिए एक व्यक्ति के लिए अलग से कानून नहीं हो सकता। मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयाग, सबका विश्वास, लेकिन आप सब अलगाव की, बिखराव की, भय की राजनीति करते हो, इसलिए सीबीआई के बारे में भ्रम फैलाते हो। इंदौर में स्कूल संचालक को किताब यूनिफॉर्म विक्रेताओं की सांठगांठ और गठबंधन को तोड़ने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने पर बोले गृह मंत्री, मैं इस फैसले को सही मानता हूं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको कह दिया जाता है कि दुकान से आप पुस्तक लें। उस दुकान पर जाते हैं तो 5-6 पुस्तकें देते हैं, पहले से 3 पुस्तकें हैं तो 6 क्यों ले लें। वहीं ड्रेस हर साल बदल जाती है, पहले ड्रेस न बदली जाए, ये भी उस आदेश में लिखा गया। अकारण के बंधन और अकारण के नियम, अकारण के खर्चे को रोकने के लिए तरीके का आदेश निकाला गया है। आज हनुमान जयंती पर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पर बोले गृह मंत्री, आज हनुमान के चरणों में नमन। सेंट्रल की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए जहां जहां प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हनुमान जी के होने वाले हैं वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ होने पर बोले गृह मंत्री, इनके ऐसा बनावटी कार्यक्रम है, यहाँ हनुमान चालीसा करा रहे हैं, वहां पर रोज इफ्तार में जा रहे हैं, फिर वहां जाकर जो है जहर उगल रहे हैं। मैंने आज उनके एक नेता के ट्वीट देखे, एक हनुमान जयंती पर था, बाकी सब सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। ये कांग्रेस की जो दो मुखी नीति है अब जनता समझने लगी है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 16 अप्रैल को ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ के नाम से बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण सभी उसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे। वहीं योजना को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए, सरकार की बात को अंतिम तक ले जाने के लिए बड़ा समागम करने वाले हैं। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको बहुत बधाई, प्रदेश की जनता को भी हृदय से प्रणाम। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये यात्रा संकल्प और परिश्रम के साथ विचारधारा को विस्तारित करने की भी यात्रा रही। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, इन सब ने विचारधारा के विस्तार के साथ ही भाजपा के भविष्य के साथ ही भारत के भविष्य के निर्माण की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अथक परिश्रम किया। आज पार्टी इस मुकाम पे है और सबसे बड़ा दल आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय जनता की सेवा और विकास है और सभी कार्यकर्ता प्राण से इसमें जुटे हुए हैं। आज स्थापना दिवस पर उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बधाई। कल एक बयान दिया है छिंदवाड़ा में, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूरे देश में दंगे फसाद कर रही है और मुझे जो है अब आप छिंदवाड़ा से मुक्त करें, आप छिंदवाड़ा आप संभालें, मुझे प्रदेश संभालने दें। अब रोजेदारों के बीच बैठकर विषमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विस्मरण करेंगे?
ये कोई कांग्रेस की मीटिंग थोड़ी थी। कमलनाथ जी, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाए आप, देश तो एक रहने दो। आप कभी भी इस तरह का बयान दे देते हो। बयान सुनना है तो कल अब्दुल कादरी जी का सुनते, जिन्हें मोदी जी की तारीफ की, परसों गुलाम नबी आजाद जी का सुनते, और उनको अगर सुन लेते तो शायद इस तरह की बातें आपके श्री मुख से नहीं निकलती। आप सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा से वोटों के लिए। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।